धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश जी को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण जी को स्वयं भगवान विष्णु जी का अवतार बताया गया है। लेकिन जो तुलसी माता भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय है कि भगवान विष्णु जी का ही एक रूप शालिग राम जी का विवाह तक तुलसी माता से होता है। वहीं तुलसी माता भगवान गणेश जी को अप्रिय है, इतनी अप्रिय है कि भगवान गणेश जी के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके संबंध में मैं आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। एक बार श्री गणेश जी महाराज गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावर्दी में धर्मात्मा जी की नव यौवना कन्या तुलसी माता ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा के तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी महाराज को देखा, जो तप में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी महाराज रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी माता श्री गणेश जी महाराज के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश जी महाराज से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी माता ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब गणेश जी महाराज ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी माता की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह का प्रस्ताव नकार दिया। श्री गणेश जी महाराज द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी माता बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने गणेश जी महाराज के दो विवाह होने का श्राप दे डाला। इसी पर श्री गणेश जी महाराज ने भी तुलसी माता को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी माता जी ने गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश जी महाराज ने तुलसी माता से कहा कि तुम्हारा विवाह संगचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए पूजी जाओगी, जीवन और मोक्ष देने वाली तुम कहलाओगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित बताई गई है। गणेश जी महाराज ने तुलसी माता को श्राप दिया था। तो ये थी तुलसी माता और गणेश जी महाराज की अनोखी कहानी।